कम बैक टू स्टडी पॉइंट तो आज हम करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे पहले मैं आपको बता दूँ इंग्लिश और पॉलिटी की सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूनिट वाइज विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट क्रिएटेड है वहाँ से आप देख सकते हैं अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की फ्री पी डी एफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जो आपकी हिस्ट्री है मतलब मेडिवल हिस्ट्री जो हम कर रहे हैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ और किस किसके बीच हुआ तो मैं आपको बता दूँ तराइन का जो युद्ध है वो 1192 नाइन्टी में हुआ और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ठीक है जैसा कि हमने पानीपत के प्रथम युद्ध में पढ़ा है कि जो पहला युद्ध था वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था लेकिन प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और 1192 में जब ये युद्ध दोबारा होता है तो इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने में वो सफल हो जाते हैं और अगर आपसे पूछा जाए ये युद्ध यहाँ कहाँ हुआ था तो ये हुआ था हरियाणा में ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश किस जनजाति से संबंधित थे तो जो इल्तुतमिश हैं वो अल्बरी तुर्क नामक जनजाति से बिलोंग करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को एक लाख जीतल में खरीदा था नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी तो अगर बलबन की बात करें तो वह एक मुस्लिम विद्वान आ, मतलब एक मुस्लिम शासक था तो मुस्लिम विद्वानों का आदर करता था लेकिन राज के कार्यों में उनके हस्तक्षेप को पसंद वो नहीं करता था इसका न्याय पक्षपात रहित और उसका जो दंड था वो अत्यंत कठोर था इसी कारण उसकी शासन नीति को लोहो रक्त की नीति कहा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट लोहो रक्त की नीति भी आपसे पूछी जा सकती है इस तरीके से इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मलिक काफुर कौन था तो जो मलिक काफुर था वैसे मतलब धर्म से वो एक हिंदू था और गुजरात का निवासी था वह किन्नर था जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और 1197 नाइन्टी ईस्वी में नुसरत खान ने उसे एक हज़ार दिनार में ख़रीद लिया था इसलिए मलिक काफुर इतिहास में हज़ार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है मलिक काफुर के व्यक्तित्व से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और दस वर्ष से भी कम के सेवा काल में उसे नायाब का पद हासिल हो जाता है इसी के साथ उसको ताजुल मुल्क काफुरी की उपाधि भी दी गई थी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी धातु के सिक्के बनवाए थे तो इन्होंने जो चलवाया था टंका और जीतल जो हम पढ़ते हैं तो तांबे और पीतल के सिक्के थे इनका दिल्ली सल्तनत से निश्चित मात्रा में सोने और चांदी के लिए आदान प्रदान किया जाता था देवगिरी में अपने असफल अभियान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने तेरह में सांकेतिक धन जारी किया और पीतल और तांबे के सिक्के ढाले गए जिनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों के ही बराबर थी नेक्स्ट सीख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इबन बतूता कौन था तो अगर इबन बतूता की बात करें तो वो एक अफ्रीकी यात्री था जिसका जन्म चौबीस फरवरी 1304 सौ चार ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में हुआ था इनके पूर्वजों का व्यवसाय काजियों का था इबन बतूता आरंभ से ही एक बड़ा धर्मानुरागी था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दिने इलाही धर्म जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो दिन इलाही धर्म की जो स्थापना है वो 1582 एटी में मुगल सम्राट अकबर ने की थी जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को इन्होंने डाला था इसमें प्रमुखता हिंदू और इस्लाम धर्म थे इनके अलावा पारसी जैन और ईसाई धर्म के भी कुल मूल कुछ मूल विचारों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण तो देखिए काफ़ी सारे रीजंस रहे हैं बट हमें जो मेनली यहाँ पे पढ़ने हैं पाँच हम पढ़ेंगे यहाँ पे औरंगजेब की शासन नीति औरंगजेब की दक्षिण नीति अयोग्य उत्तराधिकारी आर्थिक दुर्बलता और लास्ट है हमारा सैनिक अव्यवस्था और अनुशासनहीनता नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो प्रमुख संतों के नाम तो दो प्रमुख सूफ़ी संतों के नाम तो सूफ़ी संतों की बात करने तो काफ़ी सारे हैं बट उसमें से जो मेनली मतलब कोई भी दो आप याद रख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख हमद्द्दीन नागौरी अब इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगी उसमें हम करेंगे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जल्दी मैं यूनिट टू और थ्री भी अपलोड करूंगी हिस्ट्री की इससे पहले हिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट और सेवंथ में अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में